जब भी हम बाजार में वड़ा पाव खाने जाते हैं तो लाल सूखी चटनी ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि उसके बिना वड़ा पाव खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंचिंग फिट। आज हम बनाने जा रहे हैं वड़ा पाव की सूखी लाल लहसुन की चटनी, जिसे हम ड्राई गार्लिक चटनी पाउडर भी कहते हैं। इसको हम वड़ा पाव के साथ ही नहीं बल्कि इडली, डोसा, पूरी या पकौड़े के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत आसान सी रेसिपी है और घर में डेली यूज़ होने वाले इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ मैंने 4 से 5 लाल सूखी मिर्च ली हैं, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ छिलके के साथ, 1 कप ग्रेटेड सूखा नारियल, आधा कप मूंगफली और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब एक पैन में सूखा नारियल लेंगे, जिसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन तक रोस्ट करेंगे। ये देखिए, नारियल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब गैस की फ्लेम स्लो करके इसको एक बाउल में पलट लेंगे और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब सेम पैन में मूंगफली के दाने भी रोस्ट कर लेंगे, इसको भी ठंडा होने तक ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह लहसुन की कलियां और सूखी लाल मिर्च एक साथ रोस्ट करेंगे स्लो फ्लेम पे, जब तक लहसुन हल्का ब्राउन ना हो जाए। इसको भी ठंडा होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ एक बाउल में हम लेंगे पिसा हुआ नारियल, 2 चम्मच पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर, लहसुन सूखी लाल मिर्च पिसी हुई, साथ में 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब अच्छे से मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे, जिससे सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिल जाएं। तो दोस्तों, सूखी लाल लहसुन की चटनी तैयार है अब, जिसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में आराम से 1-2 महीने तक रख सकते हैं। इस तरह आप इसको वड़ा पाव में लगाकर खा सकते हैं। तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी? आप भी घर पर इस रेसिपी को ट्राई करिए, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।